साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ऑलवेज अ रेक्टेंगल, दो कंडीशंस है, नहीं पता चला था जरी इसमें ना चलो एनी हाउ मैं फिट कर देती हूं, इट्स ओके। साइक्लिक पैरेललोग्राम मतलब कि पैरेललोग्राम व्हिच वर्टिसेस टचिंग द सर्कल दैट इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। Two conditions are given about this quadrilateral. धरे कौन सी दो कंडीशन गिवन है इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में, कौन सी दो कंडीशंस गिवन है? बुक ही नहीं है, लो जी आपके पास भी नहीं, क्या बात है, आप बताओ। एक तो ये साइक्लिक है, ऊपर से पैरेललोग्राम, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, वही बात है, एक तो पैरेललोग्राम है दूसरा नीम चढ़ा है, बिल्कुल ठीक। पैरेललोग्राम है, हमें एंगल्स के साथ अपना जो है कंसर्न रखना है, बिकॉज जो एंगल्स हैं उन्हीं के थ्रू हम इसको रेक्टेंगल प्रूफ कर पाए। एक एंगल 90 डिग्री आ गया, देन दिस पैरेललोग्राम विल बिकम अ रेक्टेंगल। नाउ बिकॉज वी आर टारगेट इज टू गेट एंगल टू बी 90 डिग्री, सो वट एवर इज गिवन थ्रू दैट वी विल यूज द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल। So one property of the angles is opposite angles are equal. Arpita, you have not sent me the holidays homework and today list is going and I will definitely give you zero marks. So A equal to C, opposite angles they are equal and cyclic quadrilateral ke accordingly sum of the opposite angle is 180. ठीक है, उधर opposite angles equal हो गए और इधर condition use की हमने sum of the opposite angles is 180. Now these two angles are equal. Gopal, sit properly. Sit properly. So one can be replaced by the another. So we are replacing C by A. Please. No need to talk in between. 2A, this is 180. So this implies angle A is equal to 90 degree. And we know that if in a parallelogram, one angle comes out to be 90 degree, then it is a rectangle. So ABCD हमारे पास रेक्टेंगल हो गया। प्लीज जब तक मैं नहीं कुछ पूछती डोंट अटर इवन ए सिंगल वर्ड, प्लीज माइंड इट, लर्न हाउ टू लर्न, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे सीखते हैं ये सीखना भी बहुत जरूरी है। चलिए, सो वी वर डूइंग क्वेश्चन नंबर 9th, पहले करते हैं अब सीक्वेंस में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, two circles intersecting at the point B and C, passing through, intersecting at the point B and C, there are two circles which are intersecting at the point B and C. Two circles are there which are intersecting at the point, haanji, B and C. Through B, two lines, one is ABD, one line is ABD like this, passing through B, and another line is PBQ, passing through B like this. Another line is PBQ, passing through B like this. Hanji? हाँ, वैसे तो डिस्क्रिप्शन दी हुई है, सारी बना भी सकते हो आप। ठीक है, लाइंस आर गिवन लाइक दिस, यही है हमारे पास क्वेश्चन, और आगे जो प्रूफ है उसके अकॉर्डिंगली हम फिगर को कंप्लीट करेंगे। वी वांट टू प्रूव दैट एंगल ए सी पी, दिस इज इक्वल टू क्यू सी डी, एंगल ए सी पी, ए सी
पी, ये वाला एंगल, दिस इज इक्वल टू क्यू सी डी, क्यू सी डी, ठीक है। तो दिस वे वी कंप्लीट द फिगर दैट एसीपी को हमें क्यू सी डी के इक्वल प्रूव। वी विल स्टार्ट विद द लेफ्ट साइड ऑफ द टू प्रूव दैट इज एसीपी, दैट मीन्स वी विल स्टार्ट विद एंगल एसीपी। इफ वी सी एंगल एसीपी, इट लाइज इन दिस सर्कल दैट आई मेक लिटल बिगर। सो इस सर्कल में हमारा एंगल एसीपी है, एंड इफ आई सी दिस एंगल एसीपी, ए सी पी, विच कॉर्ड इज मेकिंग दिस एंगल? एपी कॉर्ड, एपी कॉर्ड इज मेकिंग दिस एंगल, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन सी दैट व्हाट इज द अनदर पॉइंट इन द सर्कल एक्सेप्ट सी वेयर एपी कॉर्ड इज मेकिंग द एंगल, दैट इज एंगल बी बी, सो ए बी पी। सो वी कैन से कंसिडरिंग द कॉर्ड एपी ऑफ द सर्कल we will be having angle ACP equal to ABP by using the concept that angles made by a chord in the same segment are equal. Same segments के angle equal होते हैं, इसको use करते हुए we are writing that ACP is equal to ABP. Right? Now we reach ABP and our target is QCD. QCD, it lies in the another circle. We are sitting in the first circle and we want to jump in the second circle. This ABP, where we stop, from there we will start and we will see that is this ABP equal to sum of the angle which lies in the second circle and in the and in which we have to enter. Definitely, these two lines ABD and PBQ, they seems to be intersecting lines. So using the concept of vertically opposite angles, we can write that angle ABP, this is equal to angle QBD. So this is QBD. This is equation number two. Second equation. ABP is equal to QBD. This is equation number. Yeah. ABD, PBQ. जब आप क्लास में समझ समझ के लिख रहे हो ना, आप एक भी वर्ड अपनी कॉपी, पहली बात तो लिखना चाहिए साथ साथ। अगर आप एक भी वर्ड कॉपी पे लिख रहे हो और वो वर्ड आपके दिमाग में नहीं गया, आप उसी टाइम पूछते हो, दैट मींस यू आर ऑन ट्रैक एंड यू वांट टू इंप्रूव। बट सिर्फ लिखना देख देख के मैम पीछे हटना, ये वाला स्टेप रह गया, इट्स नॉट द वे। यू आर राइटिंग समथिंग, इट्स नॉट इन योर माइंड, यू आर आस्किंग, दैट मींस यू आर ऑन द वे ऑफ इंप्रूवमेंट। एबीपी पे हम पहुंचे थे, एबीपी, so through this ABP we are shifting circle in front this, and that is by using vertically opposite angle. So ABP, this is equal to QBD using the concept of vertically opposite angle. Okay, we entered in this circle, and QBD, this is the angle made by the chord QD. And second circle mein, can you see the another point, that is C point, and we can say that at this point C, the angle made by the chord QD is QCD. So you will write QBD, QCD, equation number 3. So 1, 2, 3 में से हम सीधा ही क्लियर हो रहा है हमारे पास, ACP equal to ABP, ABP कहता मैं इसके इक्वल, ये कहता मैं इसके इक्वल, इसका मतलब ये दोनों आपस में। From 1, 2, and 3 we will be having angle ACP equal to QCD. ACP is equal to QCD. Question number 10. If circles are drawn taking two sides of a triangle as a diameter, prove that the point of intersection of this circle lie on the third side. So we are having a triangle taking two sides at diameter. Two circles, they are drawn like this.
taking AB as diameter, the first circle is drawn. Taking AC as diameter, the second circle is drawn. Yes, Chabji, what do you want to ask? Ma'am, ACP और QCD को हम vertically opposite क्यों नहीं लिख सकते? किस पिछले क्वेश्चन में किस मैम ABP एंड QBD को vertically opposite क्यों नहीं लिख सकते? मैम ACP और QCD को ACP एंड QCD को बेटे कहाँ? जिनको find करना था. बच्चे वहाँ पे तो intersecting lines ही नहीं बन रही. कैसे लिख दोगे? Lines are ACP is like this. And QCD is like this. ये ACP बैठा है, ये QCD बैठा है. ऐसे बैठे हैं, ऐसे नहीं. Right? So नहीं कर सकते. So come back to this question that a triangle is drawn. Two circles are drawn, taking the two sides of the triangle as diameter. Right? And we need to prove that point of intersection of these circles lie on the third side. Now point of these circles, these two circles have two point of intersection. One is point A, another I am taking D. That means out of these two point of intersection, about which point he is talking? Point D, which lies on the, this we want to prove that this lies on the third side. Karenge. D lies on the third side. This is what we want to prove. And we know that if there are three points, they are said to be lie on a same line if they are collinear. That means if they are sitting on a line. And ye prove karne ke liye, a ray will fall on this line BC, touching it at the point D, joining AD. So I'm drawing one ray. If two angles aside this ray, ye wala angle aur ye wala angle, is ray ke aside jo do angles hain, agar inka sum 180 hota hai, then BDC will become a straight line. And if BDC will become a straight line, then definitely D is going to lie on BC. Now we need to prove that sum of ADB and ADC, this is equal to 180 degree. So agar aap bache baat karo. Chaliye. Bas. अगर कोई बात क्लास में होती है ना तो उसको इमीडिएटली शिफ्ट करके पढ़ाई पे आना ही सबसे बड़ा क्लास का सबसे अच्छा पॉइंट होता है, जो कि आपकी क्लास का नहीं है. एक बार बात शुरू हो जाए तो बस वो उस बात में गुम हो जाते हैं हम. चलिए, तो यहाँ पे दोनों एंगल्स अगर 90 डिग्री हो जाते हैं तो सम जो है वो 180 बन गया. अगर सम 180 बन गया तो बीडीसी स्ट्रेट लाइन हो गई. अगर स्ट्रेट लाइन हो गई तो डी विल लाई ऑन बीसी. इफ वी कंसिडर द फर्स्ट सर्कल, इट इज गिवन दैट ए बी इज डायमीटर. Diameter divides the circle into two parts. One part is below it, another is above it, and each part is known as semicircle. And you know, angle in the semicircle is always 90 degrees. This implies angle ADB equal to 90 degrees. Angle in the semicircle. And if we see the diameter AC of the circle, then it is very much clear that this diameter AC of the circle, again, this is the semicircle. This part is a semicircle, and this implies ADC also 90 degree. Haan ji, bolo Ritika. Ye triangles kya? Kyun karne congruent proof? Jab congruency ka chapter tha, tab hume congruency achhi nahi lagti thi. क्यों कॉन्ग्रेंट प्रूव करने? वाई टू प्रूव कॉन्ग्रेंट? जब इतना इजी हमारे पास कॉन्सेप्ट पड़ा है, उसके थ्रू हम क्यों ना रिजल्ट लेके आए? कॉन्ग्रेंट प्रूव हो भी नहीं सकते क्योंकि दोनों साइड्स अलग अलग है, डायमीटर्स इक्वल नहीं है. सो एडिंग दिस टू यू विल गेट एडीबी प्लस एडीसी 90 प्लस 90. एडीबी प्लस एडीसी दिस इज 180. So this implies BDC is a straight line. And when BDC is a straight line, this implies D lies on BC. BDC is a straight line, then D lies on BC. That means point of intersection of these two circles
that is this point D, it is going to lie on the third side, and that is BC. Right? Next question, question number 11. Let us see. ABC and ADC are two right angle triangles with common hypotenuse AC. AC is common hypotenuse. One triangle is ABC and another triangle is ADC. Right angle that B and D, they have been drawn like this. Right? So common hypotenuse se do right angle triangle humne draw kiye. Prove that angle C A D, that means this angle C A D, this is equal to angle C B D. C A D equal to C B D. This we want to prove. ठीक है? अब देखो बहुत easy है. अगर हम इसको किसी तरह से C D को chord prove कर दें किसी circle की. So naturally, this chord CD is making two angles. One is CAD, another is CBD in the same segment. They will be equal angle in the same segment. But the thing is, how we can say that CD is a chord? CD will be chord only when CD lies in a circle. अगर CD circle में lie करेगी, तभी वो chord होएगी. अकेली line की कोई औकात नहीं है कि वो chord बन जाए. जब तक वो circle के अंदर नहीं आती, it will never be chord. So that means we first have to tell that CD is a chord of the circle. इसके लिए अगर हम ABCD को किसी तरह से cyclic prove कर दें, cyclic मतलब कि वो circle की उसके vertices circle को touch कर रही हैं. अगर ABCD cyclic हो गया, then naturally CD will become chord. And if CD will become chord, we can use the concept that angle made by the chord in the same segment are equal. Due to that concept, we can write it in a fraction of second that CAD is equal to CBD. First of all, we are proving that ABCD is a cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral prove karne ki hamari condition thi that sum of either pair of angle, if it is 180 degree, then the quadrilateral is cyclic. So it's very much obvious in this quadrilateral ABCD that angle B plus angle D is equal to 180 degree. Both are 90, so their sum will be 180. Here, angle B plus angle D, this is equal to 90 plus 90 as they given to be 90 each. So this is 180 degree. This implies ABCD is a cyclic quadrilateral. ABCD is a cyclic quadrilateral. And when ABCD is a cyclic quadrilateral, when ABCD is a cyclic quadrilateral, then we can write, consider CD is the chord. CD is a chord of circle. Cyclic quadrilateral hai aur CD uska chord hai. So this chord CD, our target angles are angle CAD and angle CBD. And that is very true that chord CD is making these two angles CAD and CBD in the same segment of the circle. So we can write angle CAD is equal to angle CBD, angles made by the chord in the same segment. Itna circle chapter ke book ke ya jitne bhi questions hain ye two proof wale aur main abhi hum examples bhi karenge jo bhi examples hain itne mazedar hai na agar inko samajh samajh ke karo inko karte utna hi maza aayega jitna pizza kha ke maza aata hai. They are very matlab much yummy. Theek hai, chaliye bas. कमेंट नहीं है कोई. When you enjoy your learning, only then output will be there. And when I will enjoy my teaching, only then I will get the result from my students. अगर मुझे burden लगे class में जाना है, हाई पढ़ाना है, no, I have to enjoy my teaching and you have to enjoy your learning. Only then teaching learning process will be fruitful. If you're taking it burden, mass period, time, ye wo, then there is no use of such kind of things. You have to involve yourself
to your heart's content, only then you will be able to be a good learner and to get good result. I never expect that Anshia is getting I'm just giving her example. She is getting 40 out of 40, and I expect मैं हृदय को भी बोलूं कि तेरे 40 में से 40 आने चाहिए, अगर नहीं आए तो यू आर न लैक. नो, वट एवर इज हीज कैपेसिटी ऑफ लर्निंग एंड वट एवर इज हीज यू कैन से इंटेलिजेंस, अकॉर्डिंग टू दैट ही शुड ट्राई हिज लेवल बेस्ट टू कम फॉरवर्ड. एवरी इंडिविजुअल हैज इट्स ओन यू कैन से लर्निंग कैपेसिटी एंड इंटेलिजेंस, एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट. I should not say that every time I am giving example, Anshia ko dekha, Anshia, why so? Individual differences are there and we should respect everyone's individuality. But the thing is, whatever is our capacity, we should try our level best to come forward and to gain more and much than that. Uske liye lakshya bahut mehnat ki zarurat hai. हर बात को हर्षित हंसी में टाल देना और मजाक में टाल देना, इट इज नॉट मतलब लाइक गुड. यू आर इन 9th स्टैंडर्ड एंड यू नो दैट एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर एंड यू शुड बी वेरी सिंसियर टुवर्ड स्टडीज नाउअडेज. हाँ जी कीर्ति, क्या नहीं समझ आया आपको? इफ सम चाइल्ड इज सेइंग ना, फिर से समझा दो. तो पहला क्वेश्चन यही होता है कि क्या नहीं समझ आया, पता तो चले क्या किस पॉइंट पे गड़बड़ हुई है. जाओ, आपको क्या नहीं समझ आया बेटे? कीर्तिमा, हमें प्रूफ क्या? एक कोई बात नहीं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू रिपीट इट 100 टाइम्स इफ यू नीड, बट आई वांट टू नो कि आपको पता तो चलना चाहिए कि मुझे इस क्वेश्चन में ये नहीं समझ आ रहा. पता तो चलना चाहिए कि इस क्वेश्चन में एक छोटे से बच्चे को मैं 2 का टेबल करवा रही हूँ, वो 2 7s 14 तक बोल देता है, फिर 2 9s 18 बोलता है, 8 2 8s भूल जाता है. तो मुझे बार बार पता चल रही है ये बात कि इसको 2 8s जो है वो भूल रहा है, तो उस पे मैं स्ट्रेस दूंगी. तो मुझे पता तो चलना चाहिए मेरे स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में क्या समझ नहीं आया. प्रूफ क्या करना है, चलिए बता दो. व्हाट वी नीड टू प्रूफ, बुक बेटे आपके सामने है, यू कैन सी एंड टेल मी दैट व्हाट वी वांट टू प्रूफ. एंगल सी ए डी इक्वल टू सी बी डी. एंगल सी ए डी सी से शुरू हुआ, ए पे चार, डी पे खत्म हुआ, तो किस कोड ने इसको बनाया? सी डी ने. सिमिलरली एंगल सी बी डी सी से शुरू हुआ, डी पे खत्म हुआ, तो सी बी डी को भी किस कोड ने बनाया? सी बी डी कोड ने, सी डी कोड ने. इसका मतलब अगर हम इसको कोड प्रूव कर देंगे तो कोड है ही नहीं, ये तो सिंपल क्वाड्रिलेटरल की साइड है. तो फर्स्टली वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज अ कोड. कोड प्रूव करने के लिए हमें इसके आसपास सर्कल प्रूव करना पड़ेगा. सर्कल प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन क्या थी? सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज बी प्लस टी 180 डिग्री. सो एबीसीडी साइक्लिक हो गया, सीडी कोड है, एंगल मेड बाय ए कोड इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, हेंस द रिजल्ट फोटोज. राइट, चलिए लेट अस स्टार्ट विद द एग्जांपल्स. Look at example number 6 first. Example number 6. Example number 6, bete, keep quiet. Very important example, example number 6. Prove that 1 mark में भी हो सकता है. Quadrilateral formed by the internal angle bisector of a quadrilateral is dash kind of quadrilateral, cyclic. हमारे पास एक quadrilateral है. ध्यान से समझना statement को according to the figure. इस quadrilateral में 4 internal angles हैं. Angle A, B, C and D. इन इंटरनल एंगल्स को ने अपने एक दूसरे को
मीट किया, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल, ये बाइसेक्टर है इंटरनल एंगल ए का एंड ये बाइसेक्टर है इंटरनल एंगल डी का, ठीक है, ये बाइसेक्टर है इंटरनल एंगल बी का और ये बाइसेक्टर है इंटरनल एंगल सी का। यहां पे जो क्वाड्रिलेटरल बना इनके इंटरनल एंगल्स के साथ, वी नीड टू प्रूव दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय बाइसेक्टर्स ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, दिस इज साइक्लिक, दिस वी नीड टू प्रूव। अब देखो साइक्लिक प्रूफ करने का हमारे पास एक तरीका होता है दैट हम ऑपोजिट एंगल्स का सम जो है उसको 180 प्रूफ कर दी। इसका ऑपोजिट एंगल मैंने E कंसीडर कर लिया, उधर से G, किसी तरह से मैं इन दोनों का सम 180 अगर प्रूव करने में सक्सेसफुल हो जाऊं, देन डेफिनेटली EFGH इज गोइंग टू बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा अगर हम इसको सम को ऑपोजिट एंगल्स के सम को 180 प्रूफ कर दें। कैसे करेंगे 180 प्रूफ? अंदर वाले क्वाड्रिलेटरल के बारे में वी डोंट नो एनीथिंग, बट दिस ट्राइंगल कैन हेल्प अस टू रीच दिस एंगल। वी विल फर्स्टली क्रैक दिस एंगल, दैट इज एंगल AEB, एंड यू नो दिस एंगल AEB, दिस कैन हेल्प अस टू रीच एंगल FEH यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो हम सबसे पहले AEB की बात करें, AEB को फाइंड करें, दैट इज आवर टारगेट। So you know this AEB angle, this is a part of triangle AEB. So I'm marking this to be angle 1, this to be angle 2. और ट्राइंगल में कभी भी हमारे पास तीन एंगल्स जब बैठे हो और हमें एक एंगल फाइंड करना हो, वी विल यूज एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर दैट पर्पज। सो आई एम यूजिंग एंगल AEB प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल AEB, this is equal to 180 minus angle 1 minus angle 2. We are given bisectors. Bisectors की property हमें use करनी है. So this angle 1, using the property of bisector AH of angle A, this is half of which angle? Angle A. So I am replacing angle 1 by half angle A. Similarly, this angle 2, as this is bisector, using the property of bisector, we can write this angle 2 to be half of angle B. यहां तक पहुंचने के बाद इस चीज को यहीं पे रोक दो, equation number 1 बना दो। Now we are proceeding to the right side of the figure in which we need angle DGC because DGC will help us to reach FGH. So my target is this DGC and this lies in triangle DGC, mark it to be 3 and 4. Using angle sum property in triangle DGC, you will definitely get angle DGC plus angle 3 plus angle 4. This is equal to 180. So angle DGC, this is equal to 180 minus angle 3 minus angle 4. Now again, using the property of the bisector, this angle 3, as this is a bisector, this is equal to half of angle D. And similarly, this angle 4, using the property of bisector, half angle C, equation number 2. AEB and DGC we have find out. अब AEB की value ये आई है हमारे पास equation number 1 में, हमें तो चाहिए FEH. AEB और FEH दोनों equal हैं, being vertically opposite, यहीं पे हमें replace कर देना चाहिए था। So FEH की वैल्यू ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 में और DGC वर्टिकली ऑपोजिट है FGH के, यही रिप्लेस कर दो इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो छोटू सा क्वाड्रिलेटरल आपके पास है उसका FEH आपके पास है, उसका FGH आपके पास है, यानी कि इसके दो ऑपोजिट एंगल्स आपके पास आ गए। अगर इन ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 आ जाए तो ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। So we need to add the equations 1 and 2. So I'm writing 1 plus 2 gives. कैसे add करते हैं दो equations को? Left hand side में left hand side. That means angle FEH में angle FGH. Right hand side में right hand side.
राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड डी है पहले, फिर से 180, 180, 360, बाकी सब में से माइनस वन बाय टू कॉमन, अंदर बचा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी. एंड यू नो व्हाट इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कलेक्टिवली? 360. सो एफ ई एच प्लस एफ जी एच, दिस इज 360 माइनस वन बाय टू ऑफ 360, दैट इज 360 माइनस 180. FVH and FGH, this is equal to 180. That means they इस छोटे से quadrilateral में हमने ये prove कर दिया that opposite angles का sum कितना है? 180 degree. And when sum of opposite angles it comes out to be 180 degree, it means this is a cyclic quadrilateral. So we prove that quadrilateral formed by the bisectors of internal angles of a quadrilateral is always going to be a cyclic quadrilateral. See example number 5. I think we have done it earlier. Book ka question hai ye. Same. Abhi kiya humne. Right now. Look at example number 4. Example number 4. On Tuesday, there is test of polynomials and surface area volume. है ना? And एक चीज मैं बता दूं, these revision tests, they are going to be very important for your final exams. इनमें अपने आप को पूरी तरह से झोंक दो, अच्छे से अपनी प्रैक्टिस रिवीजन करके इन रिवीजन टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस करो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो और आपके साथ साथ प्रेपरेशन भी हो. दो दो चैप्टर आप प्रिपेयर कर लोगे तीन तीन चार चार दिन में, पर इट्स 99.9% यही है.